हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 25 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो है आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्यूजेसर के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 25 से आपको पता 25-28 के बीच में आपका एग्जाम है तो उस क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिया है। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब ये पहला क्वेश्चन आपको आता होगा, शायद सिंपल है। देखो, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, मतलब बल इकाई क्षेत्रफल मतलब ए, और लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पी मतलब दाब। समझ शायद ना पाए हो, इकाई क्षेत्र मतलब बल पर लगने वाली इकाई, अब दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, इकाई क्षेत्र पर पी बराबर एफ अपॉन में ए होता है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तीन व्यक्ति पी क्यू आर समान एक ही वस्तु को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, उधर पी क्यू आर अपना अलग अलग अपनी जगह खींच रहे हैं, तो वस्तु की गति की दिशा होगी किस तरफ होगी, बताइए। चार ऑप्शन को पहले देख लो। ठीक है, अब बताइए, राइट ऑप्शन दूसरे का सी ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर होगी। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि ये दोनों जब खींचेंगे तो संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे, बराबर की स्थिति में, लेकिन ये अपना अपोजिट दिशा में खींच रहा है इन दोनों के जस्ट। ठीक है, तो ये आपका वैसे राइट ऑप्शन ऊर्ध्वाधर है। लॉजिक से आप सोचेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, आराम से कर लेना। चलो अगला प्रश्न है, आप या तो फिर अपने मन से थोड़ा दिमाग लगा सोचिए, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज़ किसकी इकाई है, बताइए जरा। तो आप सिंपल सा आवृत्ति की, ठीक है, आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सी चीज़ नहीं बदलती, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चलो भाई, चलो अगला प्रश्न दिया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, और हर्ट्ज किसकी इकाई है, वो आवृत्ति। अगला प्रश्न दिया गया, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, विभिन्न पदार्थों के, अब बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर विभिन्न पदार्थ है तो असंजक होता है, अगर एक ही पदार्थ होते तो वो ससंजक होता है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना, विभिन्न पदार्थों के लिए असंजक होता है और एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले के लिए ससंजक बल होता है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, विद्युत दर्शी एक यंत्र है, कैसा है, पांचवा नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन, विद्युत आवेश का पता करने के लिए। विद्युत दर्शी हो गया वो आपका विद्युत आवेश का पता करने के लिए। ठीक है, विद्युत आवेश क्यों होता है, अब विद्युत आवेश का मतलब कूलाम होता है, मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा को कहते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर एम एल, और जहाँ एल आपकी गुप्त ऊष्मा होता है, क्यू अपॉन में एम हो जाएगी, जहाँ ये आपका सूत्र याद कर लीजिए, क्यू बराबर एम एल होता है, सूत्र याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जहाँ एल होती है लीटेंट हीट, लीटेंट हीट मतलब तो गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, सातवां नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन, जो ग्रेफाइट है आपका यौगिक नहीं, लेकिन कास्टिक सोडा सिलिका और फिटकरी आपके यौगिक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपका यौगिक नहीं होता। अगला प्रश्न, लोहे का अयस्क है क्वेश्चन है, देखो आठवां नंबर प्रश्न है, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पीडीएस के क्वेश्चन भी इसमें थोड़े ऐड है, तो आठवें का डी ऑप्शन, मैग्नेटाइट। ठीक है, जो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट होता है, आपको ये पता होगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन परमाणु युक्त अम्ल है, नवा नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन, जो कार्बन परमाणु युक्त अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल होता है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है, आपको ये पता है कि जैसे चींटी जब काटती है तो इसमें फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है, उसी वजह से हम लोग को दर्द होता है। तो चींटी के, देखो चींटी काटने पे और मधुमक्खियों काटने पर बिच्छू जो होते हैं और जो वो थोड़े बहुत इन्हीं के काटने से हम लोग क्या होता है कि दर्द करता है, उसका कारण होता है फार्मिक अम्ल के कारण दर्द करता है, जब काटते हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके अंदर फार्मिक अम्ल होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, Fe2O3, ये भी पूछा जाता है ना कि चींटी के काटने से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो फार्मिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए बता रहे आपको, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 फिर प्लस का 2Al, Al2O3 में चेंज हो गया 2Fe में, ऊपर दी गई अभिक्रिया कैसी है, तो दसवां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट, विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, ये समझ गए होगे O3। ठीक है, फिर F, ये आपका 2Fe बचा, ठीक है, ये वाला। चलो भाई, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है, तो 11 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट, जस्ता। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील का जो अवयव नहीं है वो आपका जस्ता है, नहीं है जो आपका, ये जैसे कौन कौन है, लोहे हैं, कार्बन, क्रोमियम, ये है आपका, लेकिन जस्ता नहीं होता है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग ने अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि, 12 नंबर प्रश्न देखो, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है ना, ये तो सबको पता होगा ना कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है,
चलो अगर ऐसे ही साइंस और जीके क्वेश्चन आपके मेरे चैनल में पढ़े जाके प्लेलिस्ट और उसमें जाके चेक कर लेना वीडियो में जाके, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न, जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है। पहले का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, जीन कहलाती है जीवित अंगों में, ठीक है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता वह है, दूसरा नंबर प्रश्न है, तो कायांतरण कहलाता है। दूसरे का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किण्वन की खोज किसने की थी, बताओ किण्वन की खोज किसने की थी। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, लुईस पाश्चर ने की थी वैसे तो। तीसरे का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे कि होता है ना कि ये क्वेश्चन एक बार आया था इंडियन कोस्ट गार्ड में, दूध का दही में परिवर्तन किण्वन विधि कहलाती है, ठीक है, प्रक्रिया होती, तो याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है कौन की, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, हाँ ये हो गया। चलो रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग, अल्फा विकिरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। चौथा नंबर प्रश्न है, तो वो परमाणु केंद्र के लिए उत्तरदायी था, अल्फा कण जो था विकिरण वो आपका परमाणु केंद्र के लिए उत्तरदायी था, याद कर लेना, ठीक है। उन्होंने 1911 ईस्वी में प्रयोग किया था ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेयान है आपका, रेयान क्या होता है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका कृत्रिम सिल्क होता है, रेयान आपका क्या होता है, कृत्रिम सिल्क होता है। देखो सिल्क को रेशम कहते हैं, ठीक, कृत्रिम रेशम भी कह सकते हो। पांचवे का बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। छठा नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे, हाइड्रोलिक अम्ल होता है, हमारे जो आमाशय होता है उसमें हाइड्रोलिक अम्ल उपस्थित होता है, ये चीज़ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। सातवें नंबर प्रश्न, साबुन का सही सूत्र बताओ भाई, ठीक है साबुन का सही सूत्र बताएंगे। चलो सातवां नंबर प्रश्न है, तो C17H35COOH, ये आपने रटा था कक्षा 11 में शायद था ये, तो अच्छा लगा था रटने में भी हमें भी, तो C17H35COOH होता, ठीक है, तो साबुन का सूत्र था। अगला प्रश्न दिया गया आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सा तार में का मुख्य अयस्क है, ठीक है। तो आठवां नंबर प्रश्न है, क्या होगा राइट ऑप्शन, आठवें का राइट ऑप्शन दोस्तों ए पार्ट है, जो तार में का मुख्य अयस्क होता है वो मैलाकाइट होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब जैसे ये होता है, देखो इसका सूत्र याद कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे आ नहीं सकता पेपर में, Cu2CO3 फिर ब्रैकेट में OH का होल टॉइस, ठीक है, OH के बाद में ब्रैकेट में 2 है, ठीक है, Cu2CO3 फिर ब्रैकेट में OH के बाद में 2 है, ठीक है, तो याद कर लेना, मैं ब्रेक पेट लगाया जाता है। दसवां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है, ठीक है, घर्षण बढ़ाने के लिए जो वाहनों के ब्रेक में ब्रेक पैड इसीलिए लगाया जाता है कि जो घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है केवल, ठीक है। चलो बांसुरी में कौन सा कंपन करता है भाग, ध्वनि उत्पन्न करता है, बताइए जरा। 11 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन, बांसुरी के छेद के वजह से जो होता है वो आपका कंपन करता है, उसी वजह से जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है बांसुरी में। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रा कौन है, बताइए जरा। 12 नंबर प्रश्न सिंपल है, पास्कल है। चलो भाई ये कि देखो 24 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिले यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के साइंस के, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आते हैं। अगर दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना।